पहला क्वेश्चन है है इसमें पूछा द्विवेदी की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए इसमें पूछा है द्विवेदी की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए जिसमें हम पहला लिखेंगे वस्तुतः हिंदी काव्य क्षेत्र में द्विवेदी जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया भाषा को पूर्ण परिष्कृत एवं परिमार्जित कर काव्य में नए नए सामयिक विषयों का समावेश किया और खड़ी बोली की खड़खड़ाहट दूर कर उसे सुव्यवस्थित और काव्योपयोगी बनाया इसके बाद दूसरा लिखेंगे भाषा के परिष्कार के लिए द्विवेदी जी ने आजीवन अथवा अथक परिश्रम किया फलतः लोग खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में करने लगे द्विवेदी जी ने गद्य व पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली को अपनाने का आंदोलन चलाया फलतः कवि जन भारतेंदु युग की इस मान्यता को भूल गए कि दद व पद की भाषा पृथक पृथक होनी चाहिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा था द्विवेदी युगिन काव्य की किन्नी दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए जिसमें हम पला लिखे हैं वस्तुतः है हिंदी काव्य क्षेत्र में द्विवेदी जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए हैं भाषा को पूर्ण परिष्कृत एवं परिमार्जित कर काव्य में नए नए सामयिक विषयों का समावेश किया और खड़ी बोली की खड़खड़ाहट दूर कर उसे सुव्यवस्थित और काव्योपयोगी बनाया और दूसरा लिखे हैं भाषा के परिष्कार के लिए द्विवेदी जी ने आजीवन अथक परिश्रम किया फलतः लोग खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में करने लगे द्विवेदी जी ने गद्य व पद दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली को अपनाने का आंदोलन चलाया फलतः कवि जन भारतेंदु युग की इस मान्यता को भूल गए कि गद्य व पद की भाषा पृथक पृथक होनी चाहिए इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम बताइए इसमें आपसे पूछा है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम बताइए तो इसमें लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य साकेत है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं एक बार फिर से सुन लीजिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य साकेत है इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपके मत में साकेत महाकाव्य का नायक कौन है तर्क सम्मत उत्तर दीजिए इसमें आपसे पूछा है कि आपके मत में साकेत महाकाव्य का नायक कौन है तर्क सम्मत उत्तर दीजिए तो इसमें लिखेंगे राम काव्य की परंपरा का अमूल्य मैक्तिक होते हुए भी साकेत में राम को नायकत्व प्रदान नहीं किया गया है यह एक नायिका प्रधान महाकाव्य है और इसकी नायिका विविध गुणों से समन्वित उर्मिला है वास्तविक नायकत्व उर्मिला का है और औपचारिक नायकत्व लक्ष्मण को दिया जा सकता है जो कि धीरोदात्त नायक हैं राम का चरित्र अवश्य धीरोदात्त है किंतु वे साकेत में नायक न होकर एक प्रधान पात्र ही हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है जूही की कली कविता में श्रृंगार के दोनों पक्ष विद्यमान हैं स्पष्ट कीजिए इसमें आपसे पूछा है कि जूही की कली कविता में सिंगार के दोनों पक्ष विद्वान हैं स्पष्ट कीजिए तो इसमें लिखेंगे निराला प्रकृति में प्रेयसी नारी का दर्शन करते हैं प्रेयसी नारी का वर्णन करते समय वह एकदम रीतिकाल में पहुंच जाते हैं वह नक्श सिख सौंदर्य का वर्णन करते हैं तथा अनुभव विधान द्वारा संभोग सिंगार की व्यंजना करते हैं जूही की कली एकदम रीतिकालीन नायिका दिखाई देती है परंतु वह वासना के गर्दन से सर्वदा मुक्त रहती है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था जूही की कली कविता में श्रृंगार के दोनों पक्ष विद्यमान हैं स्पष्ट कीजिए तो इसमें लिखेंगे निराला प्रकृति में प्रेयसी नारी का दर्शन करते हैं प्रेयसी नारी का वर्णन करते समय वह एकदम रीतिकाल में पहुंच जाते हैं वह नक्शिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं तथा अनुभव विद्यमान द्वारा तथा अनुभव विधान द्वारा संभोग श्रृंगार की व्यंजना करते हैं जूही की कली एकदम रीतिकालीन नायिका दिखाई देती है परंतु वह वासना के गर्दम से सर्वथा मुक्त रहती है इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है पंत की मौन निमंत्रण कविता का केंद्रीय भाव रेखांकित कीजिए इसको एक बार फिर से सुन लीजिए इसमें पूछा है पंत की मौन निमंत्रण कविता का केंद्रीय भाव रेखांकित कीजिए तो इसमें लिखेंगे हम इस कविता की रचना सन 1923 सौ ईस्वी में हुई थी जब पंतजी छायावाद के सक्रिय स्तंभ थे वस्तुतः इस कविता में कवि ने रहस्य भावना को अभिव्यक्ति दी है किंतु यह भी ध्यातव्य है कि प्राचीन रहस्यवाद और छायावादी रहस्यवाद में बहुत अंतर है दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि छायावादी रहस्यवाद पुरातनता का निर्मोख उतार कर युगानुरूप प्रकट हुआ है कविता का सुभार शुभारंभ रात्रि से होकर रात्रि में ही पर्व वसित होता है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था पंत की मौन निमंत्रण कविता का केंद्रीय भाव रेखांकित कीजिए तो इसमें लिखेंगे इस कविता की रचना सन 1923 सौ ईस्वी में हुई थी जब पंत जी छायावाद के सक्रिय स्तंभ थे वस्तुतः इस कविता में कवि ने रहस्य भावना को अभिव्यक्ति दी है किंतु यह भी ध्यातव्य है कि प्राचीन रहस्यवाद और छायावादी रहस्यवाद में बहुत अंतर है दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि छायावादी रहस्यवाद पुरातनता का निर्मोख उतार कर युगानुरूप प्रकट हुआ है छा कविता का शुभारंभ रात्रि से होकर रात्रि में ही पर्व वसित होता है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है महादेवी वर्मा की किन्ही दो काव्य कृतियों का परिचय दीजिए या फिर इस प्रकार पूछेगा कि महादेवी वर्मा की किन्ही दो रचना रचनाओं का नाम लिखिए इसमें पहली रचना लिखेंगे सलभ मय सापमय वर हूँ इसमें हेडिंग डालेंगे कविता परिचय इसमें लिखेंगे प्रस्तुत कविता सलभ मय साप मय वर हूँ महादेवी वर्मा के गीत संग्रह सांध्य गीत से उद्धृत है इस संग्रह के अधिकांश गीतों में प्रकृति कवित्री का अंग बन उपस्थित हुई है इन गीतों में ध्यान से निर्माण मिलन विरह आशा निराशा बंधन मुक्ति आदि विरोधी भावों का समन्वय हुआ है पूरी रचना रहस्य भावना से ओतप्रोत है इन गीतों में कल्पना संगीत तत्व और लालित्य वैभव का भी सुभी सुंदर समन्वय हुआ एक बार इसको फिर से देख लीजिए सलभ मय साप मय वर हूँ इसमें हेडिंग डालेंगे कविता परिचय इसमें लिखेंगे प्रस्तुत कविता सलभ मय साप मय वर हूँ महादेवी वर्मा के गीत संग्रह सांध गीत से उद्धृत है इस संग्रह के अधिकांश गीतों में प्राकृतिक कवित्री का अंग बन उपस्थित हुई है इन गीतों में ध्यान से निर्माण मिलन विरह आशा निराशा बंधन मुक्ति आदि विरोधी भावों का समन्वय हुआ है पूरी रचना रहस्य भावना से उत्प्रोत है इन गीतों में कल्पना संगीत तत्व और लालित्व वैभव का सभी सुंदर समन्वय हुआ है इसके बाद दूसरा हम लिखेंगे बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिन भी हूँ दूसरा है बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिन भी हूँ इसमें हेडिंग डालेंगे कविता परिचय इसमें लिखेंगे कवित्री महादेवी वर्मा के गीतों की भावभूमि प्रायः एक ही है इसका कारण यह है कि प्रेम वेदना और करुणा के परिप्रेक्ष्य में ही सारे भावों की अभिव्यक्ति हुई है बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिन भी हूँ शीर्षक कविता में भी करुणा और विषाद की छाया स्पष्ट है इसमें आत्मा परमात्मा के संबंधों को व्यक्त करने के लिए विविध अनु विविध उपमानों को आधार बनाया गया है अपने हृदय की तड़पन और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए त्रिशित चातक निठुर दीपक बुलबुल आदि अप्रस्तुतों को जुटाया गया है इसके बाद अगला क्वेश्चन है उर्वशी का अंगिरस क्या है तो इसमें लिखेंगे हम उर्वशी काव्य का अंगिरस निश्चित रूप से विप्लभ श्रृंगार ही सिद्ध होता है और काव्य की परिणति करुण विप्रलभ में होती है तृतीय सर्ग में श्रृंगार के वातावरण में कवि ने राजा के मुख से एक साथ एक साथ रति और निर्वेद की जो बातें कहलाई हैं वे प्रसंग प्राप्त रस की सिद्धि में बाधिका ही सिद्ध हुई है उर्वशी काव्य का अंग रस श्रृंगार को ही माना जाएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है आधुनिक हिंदी कविता के विकास में द्विवेदी युग के योगदान पर विचार कीजिए इसमें आपसे पूछा है कि आधुनिक हिंदी कविता के विकास में द्विवेदी युग के योगदान पर विचार कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे यदि भारतेंदु युग हिंदी भाषा में नवजीवन का संचार करने वाला था और गद्य क्षेत्र में विशेष रूप से खड़ी बोली को खड़ा करने वाला था तो द्विवेदी युग उस भाषा का संस्कार करने वाला था भाषा के स्वरूप को सुसंस्कृत कर उसे शुद्ध साहित्यिक प्रदान करने वाला था इस प्रकार जन्म और संस्कार से परिपुष्ट खड़ी बोली इस काल की साहित्यिक भाषा के रूप में व्यवहित होने लगी भाषा के संस्कर्ता के रूप में द्विवेदी जी का नाम सदा अमर रहेगा द्विवेदी ने द्विवेदी जी ने अनेक लेखक व कवि उत्पन्न किए भारत के राष्ट्र कवि धन्य मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी के परम भक्त और अनुयायी थे उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने हिंदी साहित्य को खड़ी बोली के अनेक काव्य भेंट किए हरियोध जी राम नरेश त्रिपाठी नारायण पांडे ठाकुर गोपाल शरण सिंह अनूप शर्मा रामचरित उपाध्याय गुरु भक्त सिंह आदि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था इसमें आपसे पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया था तो इसमें लिखेंगे हम भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना थी वह भारत भारती इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है मैथिली शरण गुप्त की किस युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं उनकी किन्हीं चार रचनाएं बताइए तो इसमें हम लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं उनकी रचनाएं निम्न है जिसमें पहला है विष्णु प्रिया दूसरा है पंचवटी तीसरा जयद्रथ वध और चौथा है साकेत इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम बताइए इसमें आपसे पूछा है कि द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम बताइए तो इसमें लिखेंगे पहला प्रिय प्रवास और दूसरा साकेत इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है इस मैथिली सरल गुप्त की रचनाओं को इतिवृत्तात्मक क्यों कहा जाता है इसमें आपसे पूछा है कि मैथिली सरल गुप्त की रचनाओं को इतिवृत्तात्मक क्यों कहा जाता है इसमें लिखेंगे हम मैथिली सरल गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता इतिवृत्तात्मक इतिवृत्तात्मकता है क्योंकि इस युग की सभी रचनाओं का कथानक ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर हुआ है गुप्त जी ने इतिहास और पुराणों के कथा सूत्र लेकर रचनाएं लिखी हैं इसलिए इनकी रचनाओं को इतिवृत्तात्मक कहा जाता है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा था मैथिली सरल गुप्त की रचनाओं को इतिवृत्तात्मक क्यों कहा जाता है तो इसमें हम लिखेंगे मैथिली गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता इतिवृत्तात्मकता है क्योंकि इस युग की सभी रचनाओं का कथानक ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर हुआ है गुप्त जी ने इतिहास और पुराणों से कथा सूत्र लेकर रचनाएं लिखी हैं इसलिए इनकी रचनाओं को इतिवृत्तात्मक कहा जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है मैथिली सरल गुप्त की भाषा शैली इसमें आपसे पूछा है कि मैथिली सरल गुप्त की भाषा शैली कैसी थी तो इसमें लिखेंगे हम गुप्त जी की काव्य भाषा खड़ी बोली है इस पर उन्हें पूर्ण अधिकार है भावों को अभिव्यक्ति करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है शैलियों के निर्वाचन में गुप्त जी ने विविधिवद शैलियों के निर्वाचन में गुप्त जी ने विविधता दिखाई है किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक इतिवृत्तमयी इति वृत्तमय शैली की है इसके अतिरिक्त उन्होंने विवरण शैली एवं गीत नाट्य शैली का प्रयोग किया है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा है मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली कैसी थी तो इसमें लिखेंगे गुप्त जी की काव्यभाषा खड़ी बोली है इस पर उन्हें अधिकार है भावों का अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है शैलियों के निर्वाचन में गुप्त जी ने विविधता दिखाई है किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक इतिवृत्तमय शैली की है इसके अतिरिक्त उन्होंने बेवरण शैली एवं नाट्य शैली का प्रयोग किया है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु कब हुई इसमें आपसे पूछा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु कब हुई तो इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म अठारह ईस्वी में और मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु राजयक्षमा रोग के कारण हुई इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें लिखेंगे हम प्रसाद जी का जन्म अठारह सौ छियासी ईस्वी में और मृत्यु 15 नवंबर उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी को हुई इनकी मृत्यु यक्षमा रोग के कारण हुई इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था इनकी स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई इसमें आपसे पूछा है कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था इनकी स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई इसमें लिखेंगे हम प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था इनकी स्कूली शिक्षा आठ तक हुई थी इसमें लिखेंगे प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था इनकी स्कूली शिक्षा कक्षा आठ तक हुई थी इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत है इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना अतुकांत है इसमें लिखेंगे हम प्रसाद की प्रेम पथिक रचना अतुकांत है इसमें लिखेंगे प्रसाद जी की प्रेम पथिक रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है है इसमें पूछा छायावाद के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए इसमें आपसे पूछा है कि छायावाद के प्रमुख चार कवियों के नाम बताइए तो इसमें हम लिखेंगे पहला जयशंकर प्रसाद दूसरा सुमित्रानंदन पंत तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा महादेवी वर्मा इसको एक बार फिर से सुन लीजिए पहला जयशंकर प्रसाद दूसरा सुमित्रंदन पंत तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा महादेवी वर्मा इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जल प्लावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है इसमें आपसे पूछा है कि जल प्लावन भारतीय इतिहास में कैसी घटना है तो इसमें हम लिखेंगे भारतीय इतिहास में जल प्लावन प्राचीन घटना मानी जाती है भारतीय इतिहास में जल प्लावन प्राचीन घटना मानी जाती है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है श्रद्धा सर्ग में कवि ने श्रद्धा को कैसी नायिका के रूप में चित्रित किया है इसमें आपसे पूछा है कि श्रद्धा सर्ग में कवि ने श्रद्धा को कैसी नायिका के रूप में चित्रित किया है तो इसमें हम लिखेंगे श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने श्रद्धा को मुग्ध नायिका के रूप में चित्रित किया है श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी ने श्रद्धा को मुग्ध नायिका के रूप में चित्रित किया है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कामायनी में जल प्लावन किसका प्रतीक है इसमें लिखेंगे हम कामायनी में जल प्लावन की घटना वासनामय अन्नमय कोष का प्रतीक है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था कामायनी में जल प्लावन किसका प्रतीक है तो इसमें हम लिखेंगे कामायनी में जल प्लावन की घटना वासनामय अन्यमय कोष का प्रतीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद ने लेखक कार्य जयशंकर प्रसाद ने लेखन कार्य किस आयु से प्रारंभ किया तथा इनकी प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई इसमें आपसे पूछा है कि जयशंकर प्रसाद ने लेखन कार्य किस आयु से प्रारंभ किया तथा इनकी प्रथम कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो इसमें हम लिखेंगे प्रसाद जी ने यानी जयशंकर प्रसाद जी ने लेखन कार्य पंद्रह वर्ष की आयु से प्रारंभ किया इनकी प्रथम कविता भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद ने पहले किस भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की इसमें आपसे पूछा है कि जयशंकर प्रसाद ने पहले किस भाषा में काव्य रचना प्रारंभ की तो इसमें हम लिखेंगे प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रारंभिक काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखी है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है छायावाद क्या है इसमें पूछा है कि छायावाद क्या है इसमें हम लिखेंगे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है यह स्थूल शब्द पुरानी मान्यताओं परंपराओं का प्रतीक है यह स्थूल शब्द पुरानी मान्यताओं परंपराओं का प्रतीक है तथा सूक्ष्म शब्द नवीन परंपराओं मान्यताओं का परिचायक है इस तरह छायावाद एक विद्रोह या प्रतिक्रिया है जो नए कवियों ने द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली से किया है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कामायनी महाकाव्य में काम और इच्छा सर्ग में किस प्रकार के पात्रों का चयन जयशंकर प्रसाद ने किया है इसमें आपसे पूछा है कामायनी महाकाव्य में काम और इच्छा सर्ग में किस प्रकार के पात्रों का चयन जयशंकर प्रसाद ने किया है तो इसमें हम लिखेंगे कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने काम और इच्छा सर्ग में अशारीरिक पात्रों का चयन किया है कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने काम और इच्छा सर्ग में अशरी पात्रों का चयन किया है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कामायनी में वृषभ किसका प्रतीक है कामायनी में वृषभ किसका प्रतीक है तो इसमें हम लिखेंगे कामायनी में वृषभ धर्म का प्रतीक है कामायनी में वृषभ धर्म का प्रतीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद ने अपना उपनाम क्या रखा था जयशंकर प्रसाद ने अपना उपनाम क्या रखा था तो इसमें हम लिखेंगे कलाधर कलाधर उपनाम से भी जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं या इस प्रकार भी लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद ने अपना उपनाम कलाधर रखा था इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम ज्ञात कविता कौन सी है तथा इनकी प्रारंभिक खड़ी बोली की रचना का संग्रह किस नाम से उपलब्ध है इसमें आपसे पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम ज्ञात कविता कौन सी है तथा उनकी प्रारंभिक खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह किस नाम से उपलब्ध है तो इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम ज्ञात कविता चित्र है जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की प्रथम ज्ञात कविता चित्र है तथा इनकी प्रारंभिक खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह कानन कुसुम के नाम से उपलब्ध है तथा इनकी प्रारंभिक खड़ी बोली की रचनाओं का संग्रह कानन कुसुम नाम से उपलब्ध है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कामायनी के अनुसार जल प्लावन क्वेश्चक में प्रलय कामाय के अनुसार जल प्लावन का क्या कारण था तथा जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु क्या करते हैं इसमें आपसे पूछा है कि कामायनी के अनुसार जल प्लावन का क्या कारण था तथा जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु क्या करते हैं इसमें लिखेंगे हम कामाय के अनुसार जल प्लावन का कारण देव जाति की निर्बाध विलासिता थी जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु अग्निहोत्र करते हैं इसमें लिखेंगे हम कामायनी के अनुसार जल प्लावन का कारण देव जाति की निर्बाध थी जल प्लावन की समाप्ति के बाद मनु अग्निहोत्र करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना? इसमें पूछा है कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मनु को किसका प्रतीक बताया है तथा श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था इसमें आपसे पूछा है कि कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मनु को किसका प्रतीक बताया है तथा श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था तो इसमें हम लिखेंगे कामायनी में प्रसाद जी ने मनु को मन का प्रतीक बताया है मन मनोमय कोष में स्थित जीव का प्रतीक है श्रद्धा के पुत्र का नाम मानव यानी कुमार था इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कामायनी का सबसे उदात्त पात्र कौन सा है तथा वह किसका प्रतीक है इसमें आपसे पूछा है कि कामायनी का सबसे उद्दात पात्र कौन सा है तथा वह किसकी किसका प्रतीक है इसमें लिखेंगे हम कामायनी का सबसे उद्दात पात्र श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है कामायनी का सबसे उद्दात पात्र श्रद्धा है वह हृदय का प्रतीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का नामोलेख कीजिए इसमें हम लिखेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं जिसमें पहला है छायावादी कवियों ने जीवन जगत और सौंदर्य के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है इसके बाद दूसरा है छायावादी काव्य में श्रृंगार की अभिव्यक्ति कई रूपों में हुई है तीसरा है छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण जीवंत और प्रभावशाली है इसके बाद चौथा है नारी के प्रति छायावाद में एक स्वस्थ स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हुआ इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए जिसमें हम लिखेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं जिसमें से पहला है छायावादी कवियों ने जीवन जगत और सौंदर्य के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया है उसके बाद दूसरा लिखेंगे छायावादी काव्य में श्रृंगार की अभिव्यक्ति कई रूपों में हुई है उसके बाद तीसरा है छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण जीवंत और प्रभावशाली है इसके बाद चौथा है नारी के प्रति छायावाद में एक स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास हुआ है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोह कवि क्यों कहा जाता है इसमें पूछा है कि छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है तो इसमें हम लिखेंगे छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि कहा जाता है क्योंकि निराला ने छंदों के क्षेत्र में चली आ रही प्राचीन परंपरा को न अपनाकर मुक्त छंद में रचनाएं की हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक एवं जन्मदाता निराला को ही माना जाता है निराला ने लिखा भी है लिखता अबाध गीत मुक्त छंद निराला ने लिखा भी है लिखता अबाध गीत मुक्त छंद इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निराला के निबंधों के नाम बताइए इसमें आपसे पूछा है कि निराला के निबंधों के नाम बताइए तो इसमें हम लिखेंगे निराला के प्रमुख निबंधों में पहला प्रतिम निराला के प्रमुख निबंधों में पहला है प्रबंध प्रतिमा उसके बाद प्रबंध पद और चाबुक इसमें पूछा था कि निराला के निबंधों के नाम लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे निराला के प्रमुख निबंधों में प्रबंध प्रतिमा दूसरा प्रबंध पद और चाबुक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है निराला रचित तीन कहानियों के नाम बताइए इसमें पूछा है कि निराला रचित तीन कहानियों के नाम बताइए इसमें हम लिखेंगे निराला ने तीन कहानियाँ लिखी हैं जिसमें पहला है लीली दूसरा है सखी और तीसरा है सुकुल की बीवी एक बार फिर से सुन लीजिए निराला ने तीन कहानियाँ लिखी हैं जिसमें पहला है लीली दूसरा है सखी और तीसरा है सुकुल की बीवी इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं इसमें लिखेंगे हम निराला ने अप्सरा उल्का निरूपमा प्रभावती तथा काले कारनामे नामक उपन्यास लिखे हैं निराला ने अप्सरा उल्का निरूपमा प्रभावती व काले कारनामे नामक उपन्यास लिखे हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है निराला के खंड काव्य का नाम बताइए इसमें पूछा है कि निराला के खंड काव्य का नाम बताइए तो इसमें हम लिखेंगे निराला के खंड काव्य का नाम तुलसीदास है निराला के खंड काव्य का नाम तुलसीदास है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निराला के मुक्तक काव्य कौन से हैं इसमें लिखेंगे हम अनामिका परिमल गीतिका नवीन कुकुरमुत्ता अडिमा, नए पत्ते बेला अर्चना आराधना गीत गुंज आदि निराला के मुक्तक काव्य हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए अनामिका परिमल गीतिका नवीन कुकुरमुत्ता अरिमा नए पत्ते बेला अर्चना आराधना गीत गुंज आदि निराला के मुक्त काव्य हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है, है पंत को सुकुमार कल्पनाओं का कवि कहा जाता है कारण बताइए इसमें आपसे पूछा है कि पंत जी को सुकुमार कल्पनाओं का कवि कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसका कारण बताइए तो इसमें हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कविताओं के साथ प्रतिवादी गांधीवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताओं में भी सुंदर कल्पना की है पंत जी ने शैली के रूप में ही नहीं बल्कि काव्य विषय रूप में भी मधुर कल्पनाओं का प्रयोग किया है इसलिए नंदन पंत को सुकुमार कल्पनाओं का कवि कहा जाता है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें लिखेंगे सुमित्रंदन पंत को या सुमित्रंदन पंत ने छायावादी कवियों के साथ प्रगतिवादी गांधीवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताओं में भी सुंदर कल्पना की है पंत जी ने शैली के रूप में ही नहीं बल्कि काव्य विषय में रूप में मधुर कल्पनाओं का प्रयोग किया है इसलिए नंदन पंत को सुकुमार कल्पनाओं का कवि कहा जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है पंत प्रकृति के चिचे चितेरे हैं इसमें पूछा है पंत प्रकृति के चितेरे हैं क्यों स्पष्ट कीजिए या फिर इस प्रकार पूछेगा कि पंत प्रकृति के सच्चे प्रेमी और उपासक हैं स्पष्ट कीजिए इसमें लिखेंगे हम नंदन पंत का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ उनकी उनका बचपन प्रकृति के बीच व्यतीत हुआ प्रकृति के रमणीय दृश्यों को उन्होंने नज़दीकी नज़दीक से देखा उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण सबसे अधिक हुआ है हिंदी साहित्य में पंत जी प्रकृति के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध है इसलिए कहा जाता है कि पंत प्रकृति के चितेरे हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था पंत प्रकृति के हैं क्यों स्पष्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ उनका बचपन प्रकृति के बीच व्यतीत हुआ प्रकृति के रमणीय दृश्यों को उन्होंने नजदीकी से देखा नजदीक से देखा उनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण सबसे अधिक हुआ है हिंदी साहित्य में पंत जी प्रकृति के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हैं इसलिए कहा जाता है कि पंत प्रकृति के चितेरे हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है पंत ने या पंत के गीत स्वाभाविकता के निकट हैं इसमें पूछा है कि पंत के गीत स्वाभाविकता के निकट हैं सिद्ध कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के गीतों में स्वाभाविकता अधिक है रागात्मक पंत के गीतों की आत्मा है प्रत्येक गीत उनकी अंत प्रेरणा से अभिमंडित है पंत ने दृश्यों को अपनी कविताओं में चित्रित किया है इसलिए कहा जाता है कि पंत जी के गीत स्वाभाविकता के निकट हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा है पंत के गीत स्वाभाविकता के निकट है सिद्ध कीजिए इसमें हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के गीतों में स्वाभाविकता अधिक है रागात्मक पंत रागात्मकता पंत के गीतों की आत्मा है प्रत्येक गीत उनकी अंत प्रेरणा से अभिमंडित है पंत ने दृश्यों को अपनी कविताओं में चित्रित किया है इसलिए कहा जाता है कि पंत जी के गीत स्वाभाविकता के निकट हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सुमित्रा नंदन पंत का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था इसमें पूछा है सुमित्रंदन पंत का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था तो इसमें हम लिखेंगे नारी तथा प्रकृति सदैव ही कवि कर्म की प्रेरणा रही है कवियों को नारी तथा प्रकृति ने अपनी तरफ आकर्षित किया है पंत ने नारी को देवी सहचर और प्राण आदि स्वरूपों से युक्त कर अपने काव्य में स्थान दिया है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा था सुमित्रा नंदन पंत का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण था तो इसमें हम लिखेंगे का नारी तथा प्रकृति सदैव ही कवि कर्म की प्रेरणा रही है कवियों को नारी तथा प्रकृति ने अपनी तरफ आकर्षित किया है पंत ने नारी को देवी सहचर और प्राण आदि स्वरूपों से युक्त कर अपने काव्य में स्थान दिया है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म चौबीस मार्च सन उन्नीस सौ सात ईस्वी में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फरूखाबाद जिले के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था इसको एक बार फिर से देख लीजिए महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 सौ ईस्वी में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था इसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है इसमें पूछा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो इसमें हम लिखेंगे आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी वर्मा का निबंध कब हुआ था इसमें पूछा है महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर उन्नीस ईस्वी को हुआ था महादेवी वर्मा का निधन 11 सितंबर उन्नीस ईस्वी को हुआ था इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख कीजिए इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं निम्नलिखित हैं जिसमें पहला है निहार दूसरा है रसीम और तीसरा है नीरजा चौथा है गीत और पांचवा है दीप सिखा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा था महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख कीजिए जिसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं निम्नलिखित हैं जिसमें से पहला है निहार दूसरा है रसीम तीसरा है नीरजा चौथा है गीत और पांचवा है दीपसिखा इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है यामा किसकी रचना है इसमें आपसे पूछा है कि यामा किसकी रचना है तो इसमें हम लिखेंगे यामा महादेवी की रचना है यामा महादेवी की रचना है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं के नाम लिखिए इसमें आपसे पूछा है कि महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं का के नाम लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा के गद्य की प्रमुख रचनाएं निम्नवत है महादेवी वर्मा के गद्य की प्रमुख रचनाएं निम्नवत है जिसमें से पहला है स्मृति की रेखाएं दूसरा है श्रृंखला की कणियाँ तीसरा है छड़दा चौथा है पथ के साथी पचवाँ है अतीत के चलचित्र और छठवाँ है साहित्यकार की आस्था इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा है महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं के नाम लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा के गद्य की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं जिसमें से पहला है स्मृति की रेखाएं दूसरा है श्रृंखला की कणियाँ तीसरा है छड़दा चौथा है पथ के साथी पांचवा है अतीत के चलचित्र और छठवा है साहित्यकार की आस्था इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी वर्मा के काव्य की विशेषताएं लिखी है तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिसमें से पहला है छायावाद दूसरा रहस्यवाद तीसरा वेदना भाव और चौथा प्राकृतिक चित्रण इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें लिखेंगे हम महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिसमें से पहला छायावाद दूसरा रहस्यवाद और तीसरा वेदना भाव और चौथा है प्रकृति इसके बाद अगला क्वेश्चन है है इसमें पूछा महादेवी वर्मा के सप्तपर्ण ग्रंथ डालिए सप्तपर्ण ग्रंथ पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा का सप्तपर्ण ग्रंथ सन उन्नीस ईस्वी में प्रकाशित हुआ इस संग्रह की कविताएं ऋग्वेद से लेकर संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित था या आधारित है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें पूछा था महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा ग्रंथ पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा का सप्तपर्णा ग्रंथ सन 1960 में प्रकाशित हुआ इस संग्रह की कविताएं ऋग्वेद से लेकर संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश के विभिन्न काव्य काव्यांशों पर आधारित है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है इसमें आपसे पूछा है कि महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में रूपक उपमा यमक एवं उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है महादेवी जी के काव्य में जाने अनजाने अप्रस्तुत विद्वानों का सुंदर प्रयोग हुआ है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया है तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में रूपक उपमा एवं यमक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है महादेवी जी के काव्य में जाने अनजाने अप्रस्तुत विधानों का सुंदर प्रयोग हुआ है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी वर्मा की भाव प्रवणता पर विचार कीजिए इसमें पूछा है कि महादेवी वर्मा की भाव प्रवणता पर विचार कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी का काव्य विषाद भावना से ओतप्रोत है ऐसा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि सुख की अपेक्षा दुख ही कवित्री को अधिक प्रिय रहा है इन्होंने कथा की सुख और दुख के धूप छाही डोरी से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें लिखेंगे हम महादेवी का काव्य विषाद भावना से हो है ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि सुख की अपेक्षा दुख ही कवित्री के कवित्री को अधिक प्रिय रहा है इन्होंने कहा था कि सुख और दुख के धूप छाही डोरी से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना क्यों इतना प्रिय है यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है दिनकर जी कि किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसमें हम लिखेंगे दिनकर जी को उर्वशी नाम की रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को उर्वशीय नाम की रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीयता पर प्रकाश डालिए इसमें पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रीयता पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे दिनकर के काव्य में देशव्यापी राष्ट्रीयता और जागरण का स्वर सुखरित हुआ है उनका काव्य भारत के विगत स्वर्णयुग का प्रतिनिधित्व करता है उनकी रचनाओं का अधिकांश भाग राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत है इन रचनाओं में क्रांति का उद्घोष है हृदय की ज्वाला है दासता की पीड़ा और उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था इसमें हम लिखेंगे माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1888 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होसांगाबाद जिले के अंतर्गत बाबई नामक ग्राम में हुआ था इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ इसमें हम लिखेंगे माखन लाल चतुर्वेदी का निधन 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हुआ था इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी के पिता का नाम बताइए तो इसमें हम लिखेंगे माखन लाल चतुर्वेदी के पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था जो अपने गांव की पाठशाला में अध्यापक थे माखन लाल चतुर्वेदी के पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था जो अपने गांव की पाठशाला में अध्यापक थे इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए इसमें पूछा है कि माखन लाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रहों के इन नाम लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे हिमकिरीटनी हिम, हिम तरंगिनी माता युग चरण समर्पण मरण ज्वार धूम्रवलय आदि चतुर्वेदी जी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए हिमकिरिटिनी हिम, हिम तरंगिनी माता युग चरण समर्पण मरण ज्वार धूम्रवलय आदि चतुर्वेदी के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी के नाटकों के नाम लिखिए इसमें पूछा है कि माखन लाल चतुर्वेदी के नाटकों के नाम लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे कृष्णार्जुन एवं विधा विलासी बालक माखन लाल चतुर्वेद के चर्चित नाटक हैं कृष्णार्जुन एवं विधा विलासी बालक माखन लाल चतुर्वेद के चर्चित नाटक हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए इसमें लिखेंगे हम साहित्य देवता अमीर इरादे गरीब इरादे समय के पांव, रंगों की बोली एवं चिंतन की लाचारी आदि माखनलाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं इसमें आपसे पूछा था कि माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए जिसमें हम पहला लिखेंगे साहित्य देवता दूसरा अमीर इरादे गरीब इरादे तीसरा समय के पांव चौथा रंगों की बोली एवं चिंतन की लाचारी आदि माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी के कहानी संग्रह के नाम लिखिए माखन लाल के कहानी संग्रह के नाम लिखिए इसमें हम लिखेंगे बनवासी एवं कला का अनुवाद माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है बनवासी एवं कला का अनुवाद माखन लाल चतुर्वेदी के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है माखन लाल चतुर्वेदी की भाषा शैली इसमें पूछा है कि माखन लाल चतुर्वेदी की भाषा शैली कैसी है तो इसमें हम लिखेंगे चतुर्वेदी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है उसमें संस्कृत के सरल और परिचित तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी के चलते हुए शब्दों का प्रयोग हुआ है चतुर्वेदी जी का काव्य मुक्तक काव्य है वीर श्रृंगार एवं शांतरस का प्रयोग किया है उपमा आदि साधारण अलंकार ही उन्होंने प्रयोग किया है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं के इन नाम लिखिए इसमें हम लिखेंगे पहला मधुशाला दूसरा मधुबाला तीसरा मधुकलश और चौथा निशा निमंत्रण और पांचवा एकांत संगीत छठवा सतरंगिनी हलाहल आदि उनकी चर्चित रचनाएं हैं इसमें आपसे पूछा था कि हरिवंश राय बच्चन के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए तो इसमें हम लिखे थे पहला मधुशाला दूसरा मधुबाला तीसरा मधु कलश चौथा निशा निमंत्रण पांचवा एकांत संगीत छठवा हला हलाहल सतवा है आदि इनकी चर्चित रचनाएं हैं इसके बाद अगला है इसमें पूछा है अगला क्वेश्चन क्या भूलू क्या याद करूं का प्रकाशन कब हुआ इसमें आपसे पूछा है कि क्या भूलू क्या याद करूं का प्रकाशन कब हुआ तो इसमें हम लिखेंगे क्या भूलू क्या याद करूं का प्रकाशन उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में हुआ इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है टूटी छूटी कणिया के रचनाकार का नाम बताइए तो इसमें हम लिखेंगे टूटी छूटी कणिया के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है बच्चन जी के काव्य में व्यक्तिवादिता की झलक मिलती है स्पष्ट कीजिए इसमें पूछा है कि बच्चन जी के काव्य में व्यक्तिवादिता की झलक मिलती है स्पष्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे बच्चन जी व्यक्तिवादिता गीत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं लैकिक प्रेम इनकी केंद्रीय वृत्ति है प्रेम के संयोग वियोग जन्य उल्लास पीड़ा उदासी टूटन असंतोष आदि का सघन स्वर इनकी कविताओं में मुखर हुआ है एक बार फिर से देख लीजिए बच्चन जी व्यक्तिवादी गीत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं लौकिक प्रेम इनकी केंद्रीय वृत्ति है प्रेम के संयोग जन्य उल्लास पीड़ा उदासी टूटन असंतोष आदि का साधन स्वर इनकी कविताओं में मुखर हुआ है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है मधु काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो इसमें हम लिखेंगे मधुशाला मधुवाला और मधुकलश आदि इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है मधुवाला और मधुकलश का प्रकाशन कब प्रकाशन वर्ष बताइए तो इसमें हम लिखेंगे मधुवाला का प्रकाशन 1936 में एवं मधुकलश का प्रकाशन 1937 में हुआ इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ तो इसमें हम लिखेंगे मधुशाला का प्रकाशन उन्नीस ईस्वी में हुआ किंतु यह उन्नीस ईसवी ईस्वी में ही लिखी जा चुकी थी मधुशाला का प्रकाशन उन्नीस ईसवी ईस्वी में हुआ किंतु यह उन्नीस ईसवी ईस्वी में ही लिखी जा चुकी थी इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें हम लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रचलित राम कथा में इतिहास और कल्पना का समन्वय करके कुछ ऐसी मौलिक उद्भावनाओं की सृष्टि की है जो युग सापेक्ष दृष्टि से अधिक संगत तथा मर्मस्वर्पी है कवि की सूक्ष्म दृष्टि भावुक स्थलों पर बहुत रमी है ऐसे मार्मिक स्थलों का रस ग्रहण और उनका सशक्त प्रतिपादन साकेत का प्रमुख उद्देश्य है इसके इसको एक बार फिर से देख लीजिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रचलित राम कथा में इसकी इतिहास और कल्पना का समन्वय करके कुछ ऐसी मौलिक उद्भावनाओं की सृष्टि की है जो युग सापेक्ष दृष्टि से अधिक संगत तथा मर्मस्पर्पी मर्मस्पर्शी है कवि की सूक्ष्म दृष्टि भावुक स्थलों पर बहुत रमी है ऐसे मार्मिक स्थलों का रस ग्रहण और उनका सशक्त प्रतिपादन साकेत का प्रमुख उद्देश्य है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है छायावाद का नामकरण किसके द्वारा माना जाता है इसमें लिखेंगे हम छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था छायावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कमाइनी में कितने सर्ग हैं प्रथम व अंतिम सर्ग का क्या नाम है इसमें पूछा है कि कमाइनी में कितने सर्ग हैं और प्रथम व अंतिम सर्ग का नाम क्या है तो इसमें हम लिखेंगे कमाइनी में पंद्रह है सर्ग हैं प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो प्रसिद्ध रचनाओं का नाम लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे निराला जी की रचनाएं इसमें पहला है अनामिका दूसरा है परिमल पहला है अनामिका दूसरा है परिमल इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सुमित्रा नंदन पंत के परिवर्तन कविता में क्या संकेत है इसमें पूछा है कि सुमित्रानंदन पंत के परिवर्तन कविता में क्या संकेत है तो इसमें हम लिखेंगे अतीत के गौरव की झांकी प्रस्तुत करते हुए कवि की मानसिक वेदना अत्यंत तीव्रता से व्यक्त हुई है अतीत के गौरव की झांकी प्रस्तुत करते हुए कवि की मानसिक वेदना अत्यंत तीव्रता से व्यक्त हुई है अपने आसपास के जीवन में व्याप्त असंतोष अत्याचार एवं जन्य अवस्था को देखकर अभी तक गौरव और ऐश्वर्य का चित्रण कवि के प्राचीनता के प्रति मोह को प्रकट करता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी वर्मा की रहस्य महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति क्या है महादेवी वर्मा की रहस्यानुभूति क्या है तो इसमें हम लिखेंगे महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना का प्रमुख स्थान है उन्होंने अपनी इसी वेदना के माध्यम से अपने अज्ञात असीम प्रियतम के प्रति अपना आकुल प्रणय निवेदन किया है सैशव में आध्यात्मिक ग्रंथों में उनकी गहरी रुचि नहीं थी तथा व्यक्तिगत जीवन में संघर्षों ने भी उन्हें अज्ञात असीम सत्ता की ओर मोड़ दिया इसी कारण महादेवी की रचनाओं में रहस्यवाद की भावना जागृत हुई इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है माखन चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे इसमें हम लिखेंगे माखन चतुर्वेदी सभा माखन चतुर्वेदी प्रभा पत्रिका के संपादक थे इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता किस महारानी पर आधारित है तो इसमें हम लिखेंगे सुभद्रा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता महारानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है इसके बाद अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है और उसकी विषय वस्तु क्या है या फिर इस प्रकार पूछेगा कि उद्भव शतक किसकी रचना है तथा इस रचना के इस रचना में किसका वर्णन है तो इसमें हम लिखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की चर्चित रत्ना उद्भव शतक है रत्नाकर जी ने अभी रत्नाकर जी ने भक्ति कालीन कवियों की भांति सगुण भक्ति का प्रतिपादन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है उद्भव शतक का मुख्य उद्देश्य भक्ति की ज्ञान पर विजय कराना है इसमें आपसे पूछा था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है और उसकी विषय वस्तु क्या है तो इसमें हम लिखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की चर्चित रचना उद्भव उद्भव शतक है रत्नाकर जी ने भक्ति कालीन कवियों की भक्ति सगुण भक्ति का प्रतिपादन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है उद्भव शतक का मुख्य उद्देश्य भक्ति की ज्ञान पर विजय कराना है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो इसमें हम लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उन्नीस ईस्वी को नागपंचमी के दिन प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था तो इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब और किसके साथ हुआ तो इसमें हम लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1916 ईस्वी में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1916 ईस्वी में खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है पंत की मौन निमंत्रण कविता का सारांश की मौन निमंत्रण कविता का सारांश लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे भाव और भाषा की दृष्टि से भी यह कविता अत्यंत सजीव सफल एवं भावोत्पादक है उसका प्रत्येक पद अपने में पूर्ण और एक सूत्र में गुम्फित है विरहड़ी का पूरी दिनचर्या का सूत्र रूप से सूत्र से शुरू से आखिर तक चलता है कविता का शुभारंभ रात्रि से होकर रात्रि में ही पर्व वसित होता है मौन निमंत्रण का प्रत्येक पद शैली के इकाई लार्क के प्रत्येक स्टैज की तरह कटा छटा है उसके सभी चित्र अभिराम हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है स्नेह निर्झर बह गया है इसमें पूछा है स्नेह निर्झर बह गया है कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत गीत में कभी अपने जीवन की वास्तविकता को उजागर करते हुए कहता है कि शरीर बालू के समान है स्नेह झरने के समान है स्नेह रूपी झरने के बह जाने पर सूखी बालू का शरीर बचा रह गया कभी आम की सूखी डाली से अपने जीवन की तुलना करते हुए कहता है कि कभी जैसे इसके आम की डाल ने संसार से संसार को मधुर फल फूल दिए थे लेकिन आज उसके सुख जाने पर कोयल या मोर उसके पास फटकते तक नहीं इसी प्रकार मैंने भी कभी संसार को अपनी विलक्षण प्रतिभा का उपहार दिया था जिसे पाकर वह चकित तथा विस्मित रह गया था लेकिन आज जब मेरा जीवन स्नेहहीन होकर सुख गया सुख गया है तब मेरी प्रिय तब मेरी प्रिया तक कभी मेरे पास नहीं आती वाक्य की अर्थहीन पंक्ति में पंक्ति के समान मेरा जीवन अर्थ शून्य हो गया है और मरु प्रवेश की तरह जल रहा है कविता का तो प्रस्तुत गीत में कवि अपने जीवन की वास्तविकता को उजागर करते हुए कहता है कि शरीर बालू के समान है स्नेह झरने के समान स्नेह रूपी झरने के बह जाने पर सूखी बालू का शरीर बच रहा है या बच गया है कभी आम की सूखी डाली से अपने जीवन की तुलना करते हुए कहता है कि कभी जैसे इसके आम की डाली के ने संसार को मधुर फल दिए थे लेकिन आज उसके सूख जाने पर कोयल या मोर उसके पास फटकते तक नहीं इसी प्रकार मैंने भी कभी संसार को अपनी विलक्षण प्रतिभा का उपहार दिया था जिसे पाकर वह चकित और विस्मित रह गया था लेकिन आज जब मेरा जीवन होकर गया है, तब मेरी प्रिया तक कभी मेरे पास नहीं आती वाक्य की अर्थहीन पंक्ति के समान मेरा जीवन शून्य हो गया है और मरुप्रवेश की तरह जल रहा है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है निराला की काव्यगत विशेषताओं का, का मूल्यांकन जूही की कली कविता के आधार पर लिखिए इसमें पूछा है कि निराला की काव्यगत विशेषताओं का, का मूल्यांकन जूही की कवि जूही की कली कविता के आधार पर लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे जूही की कली मुक्त छंद में लिखी गई निराला की प्रथम रचना है जूही की कली मुक्त छंद में लिखी गई निराला की प्रथम रचना है जो, जो महत्वपूर्ण है इसका रचनाकाल उन्नीस इस सौ ईस्वी है सबसे पहले यह अनामिका में संकलित थी इस समय परिमल के तीसरे खंड में उपलब्ध है प्रबंध प्रतिमा में मेरे गीत और कला शीर्षक निबंध में निराला जी ने स्वयं अपनी स्वयं इसकी व्याख्या की है कवि ने जूही की कली को एक नायिका का स्वरूप प्रदान किया है और नायक पवन की विहलता का वर्णन मनोवैज्ञानिक आधार पर किया कली की सुसुप्ति जागरण और मिलन के मध्यम माध्यम से कवि ने आत्मा की सुसुप्ति जागरण और परमात्मा के मिलन का दृश्य उपस्थित किया है प्रस्तुत कविता में बिंब चित्रण सजीव एवं अस्पष्ट है मानवीयकरण का अस्पष्ट अंकन है छायावादी शैली का चरम निर्द निर्दर्शन देखने को मिलता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है महादेवी की कविता में मैं नीर भरी दुख की बदली के कथ्य पर विचार कीजिए इसमें पूछा है कि महादेवी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली के कथ्य का या कथ्य पर विचार कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे इस गीत में महादेवी की साधना दुख से परिपूर्ण हो गई है और वे अपने जीवन को उसी तरह दुख से परिपूर्ण मानती हैं जिस प्रकार बादल जल से परिपूर्ण होकर बूंदों के रूप में बिखर जाता है तथा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसी प्रकार महादेवी वर्मा प्रिय के विरह में सतत अश्रु विगलित हैं और मान बैठी हैं कि बादल की भांति ही उनका भी इस विस्तृत संसार में कोई स्थान नहीं है इस गीत में महादेवी जी ने जलापूरित बादलों में अपने विरहपूर्ण जीवन की तुलना की है निश्चित ही यह गीत महादेवी जी की विरह वेदना जनित पीड़ा को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से स्पष्ट करने में सफल है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए इसमें पूछा है कि द्विवेदी युग इन प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं जिसमें से मैथिली शरणगुप्त हरियोद जी राम नरेश त्रिपाठी श्याम नारायण पांडे ठाकुर गोपाल शरण सिंह अनूप शर्मा रामचरित उपाध्याय गुरु भक्त सिंह आदि इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है छायावादी कविता की भाषा पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे छायावादी कविता छायावादी कवियों ने बड़ी सतर्कता के साथ नवीन भावों की अभिव्यक्ति के योग्य बनने की चेष्टा की भाषा की क्षमता अभिवृद्धि और समृद्धि के लिए प्रवेश विदे विदेश से शब्दों का आयात हुआ भाषा के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ संस्कृत का है शब्द माधुर्य एवं लालित्य के लिए बंगा बंगला पदावली का ग्रहण हुआ इस प्रकार भाषा में जो मधुरता छायावादी काव्य में मिलती है इसके पूर्व वह दुर्लभ थी इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा है छायावादी कविता की भाषा पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे छायावादी कवियों ने बड़ी सतर्कता के साथ नवीन भावों की अभिव्यक्ति के योग्य बनने की चेष्टा की है भाषा की क्षमता अभिवृद्धि और समृद्धि के लिए देश विदेश से देशों का देश विदेश से शब्दों का आयात हुआ भाषा के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ संस्कृत का है शब्द माधुर्य एवं लालित्य के लिए बंगला पदावली का ग्रहण हुआ इस प्रकार भाषा में जो मधुरता छायावादी काव्य में मिलती है इसके पूर्व वह दुर्लभ थी इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सर्ग में चित्रित मानवीय सौंदर्य पर प्रकाश डालिए इसमें पूछा है कि श्रद्धा सर्ग में चित्रित मानवीय सौंदर्य पर प्रकाश डालिए इसमें हम लिखेंगे प्रसाद ने काव्य में मानवतावादी विचार की विजय दिखाई है प्रसाद जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले हैं उन्होंने लिखा है अपने में सब कुछ मरकर कैसे व्यक्ति विकास करेगा यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था श्रद्धा सर्ग में चरित्र मानवीय सौंदर्य पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे प्रसाद ने काव्य में मानवतावादी विचार की विजय दिखाई है प्रसाद जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाले हैं उन्होंने लिखा है अपने में सब कुछ मरकर कैसे व्यक्ति विकास करेगा यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है तोड़ती पत्थर में व्यक्ति विचारधारा बताइए या इस प्रकार पूछेगा कि तोड़ती पत्थर कविता में तोड़ती पत्थर कविता के प्रतिपाद विषय पर प्रकाश डालिए तो इसमें हम लिखेंगे निराला जी ने इस कविता में शोषित वर्ग की युवती के कार्य दृष्टि निक्षेप और कुछ शब्दों के उच्चारण द्वारा आज की भौतिकवादी सामाजिक व्यवस्था पर गहरी चोट की है आश्चर्य तो यह है कि कहीं भी उसने व्यवस्था को खुले शब्दों में न चुनौती दी है न कोई फतवा या ललकार है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था कि तोड़ती पत्थर में व्यक्त विचारधारा बताइए तो इसमें हम लिखेंगे निराला जी ने इस कविता में शोषित वर्ग की युवती के कार्य दृष्टि निक्षेप और कुछ शब्दों के उच्चारण द्वारा आज की भौतिकवादी सामाजिक व्यवस्था पर गहरी चोट की है आश्चर्य तो यह है कि कहीं भी उसने व्यवस्था को खुले शब्दों में न चुनौती दी है न कोई फतवा जारी न कोई फतवा या ललकार है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है बादल राग बादल राग कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे बादल राग कविता का श्री गणेश समीर सागर पर तीरती हुई अस्थिर सुख और दुख की छाया के संकेत से होता है संसार का हृदय दुख से दग्ध है उस पर निर्दय विप्लव की माया के समान तुम्हारी युद्ध तरड़ी रणभेरी की गर्जना करती है बादलों की गर्जना को विप्लव की रणभेरी के रूप में अंकित किया गया है इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था बादल राग कविता का केंद्रीय भाव क्या है स्पष्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे बादल राग कविता का श्री गणेश समीर सागर पर तृती हुई अस्थिर सुख और दुख की छाया के संकेत से होता है साग संसार का हृदय सुख से दग्ध है दुख से दग्ध है उस पर निर्दय विप्लव की माया के समान तुम्हारी युद्ध तरड़ी रणभेरी की गर्जना करती है बादलों की गर्जना को विप्लव की रणभेरी के रूप में अंकित किया गया है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है पंत के नौका विहार में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए तो इसमें हम लिखेंगे नौका बिहार में सामान्य नौका बिहार के अतिरिक्त शाश्वत जीवन यात्रा का कवि ने जिस दार्शनिक ढंग से इसे जीवन यात्रा माना है अमर आकाश है जो चंद्रमा और तारों से प्रकाशित है और उसके नीचे बहती हुई गंगा भी गंगा की धारा है जिसमें आकाश के प्रकाश का प्रतिबिंब है यह कविता गंगा की ही भांति शाश्वत है नौका बिहार समुचित नौका बिहार सचमुच जीवन यात्रा है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है दिनकर के शब्दों में पौरुष धर्म क्या है इसमें पूछा है कि दिनकर के शब्दों में पौरुष धर्म क्या है तो इसमें हम लिखेंगे दिनकर जी आज और दिनकर जी ओज और पौरुष के कवि हैं दिनकर के अनुसार पौरुष का अर्थ कर्म से है इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है साकेत के अष्टम सर्ग के आधार पर सीता के चरित्र की विशेषता लिखिए इसमें पूछा है कि साकेत अष्टम साकेत के अष्टम सर्ग के आधार पर सीता के चरित्र की विशेषता लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे साकेत में सीता के चरित्र पर भी विविध विधिवत प्रकाश डाला गया है साकेत में सीता के चरित्र पर चरित्र पर विधिवत प्रकाश डाला गया है सीता जी करुणा की प्रतिमूर्ति हैं उन्होंने एक आदर्श पत्नी का भी निर्वहन किया है क्योंकि राजमहल की सारी सुख सुविधा का त्याग करके भगवान रामचंद्र के साथ जंगल जंगल भ्रमण किया यह उनकी पतिव्रता का सूचक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है छायावाद की शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए इसमें हम लिखेंगे छायावाद की शिल्पगत विशेषता निम्नलिखित है जिसमें पहला है नए नए अलंकारों का प्रयोग दूसरा है धन्यात्मकता छायावाद की शिल्पगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिसमें पहला है नए नए अलंकारों का प्रयोग दूसरा है ध्वनियात्मकता तीसरा है नवीन छंदों का प्रयोग चौथा है चित्रभाषा का चित्रभाषा या भाषा माधुर्य इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है मैथिली गुप्त की छंद योजना की शीर्षताएँ मैथिली सरल गुप्त की छंद योजना की विशेषताएं लिखिए इसमें हम हेडिंग डालेंगे छंद योजना इसमें लिखेंगे छंद योजना की दृष्टि से गुप्त जी का काव्य पूर्ण रूप से सफल है गुप्त जी में भाव और विषय के अनुकूल छंद चयन करने की अनोखी शक्ति है उन्होंने तुकांत अतुकांत गीत सभी प्रकार के छंदों का छंदों को अपनाया है उन्होंने रोला छप्पय आदि मात्रिक छंद सादुर्ल विकृत शिखरि मालिनी द्रुत विलंबित आदि संस्कृत छंदों का आश्रय लिया है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है रामधारी सिंह दिनकर की शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए इसको एक बार फिर से सुन लीजिए रामधारी सिंह दिनकर की शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए इसमें हम लिखेंगे दिनकर के काव्य की शिल्पगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिसमें पहला है भाषा सुस्पष्ट एवं पंडित्य से रहित है दूसरा दिनकर की कविता में लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं तीसरा है दिनकर ने भाषा में निखार लाने के लिए लोकोतियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है चौथा है दिनकर की शैली लाक्षणिक प्रयोग से समृद्ध है लक्ष्मण लक्षण के सहारे वे एक संश्लिष्ट काव्य में अनेक प्रकार के संकेत देते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है नहीं पांचवा भी है इसको भी देख लीजिए दिनकर की कविता में अलंकार भावानुभूति से स्फुटित होते हैं इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा है रामधारी सिंह दिनकर की शिल्पगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए इसमें हम लिखेंगे पहला भाषा सुस्पष्ट एवं पंडित से रहित है दूसरा दिनकर की कविता में लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं तीसरा दिनकर ने भाषा में निखार लाने के लिए लोकोतियों एवं मुहावरों का प्रयोग किया है चौथा दिनकर की शैली लाक्षणिक प्रयोगों से समृद्ध है लक्ष्मण के लक्षण के सहारे एवं संश्लिष्ट संशिलष्ट वाक्य में अनेक प्रकार के संकेत देते हैं पांचवा दिनकर की कविता में अलंकार भावानुभूति से स्फुटित होते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है सर्ग के आधार पर जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए इसमें पूछा है कि श्रद्धा सर्ग के आधार पर जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए तो इसमें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा सर्ग में रूप सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है कामायनी में श्रद्धा का रूप बड़ा ही प्रभावी है प्रभावी और सरस है जयशंकर प्रसाद ने सर्ग में रूप सौंदर्य एवं प्रेम चित्र का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है कमाइनी में श्रद्धा का रूप बड़ा ही प्रभावी और सरस है इसमें दो लाइन लिया है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल बिजली बीच गुलाबी रंग इसके इसमें आगे है, कभी मनु से प्रश्न करने वाली आगंतुक सुंदरी रमणीय यानी श्रद्धा का रूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस रमणी के नीले वस्त्र में उसका सुकुमार एवं सुंदर शरीर कहीं खुला हुआ था अर्थात परिधान युक्त स्थानों से अतिरिक्त उसके शरीर के अन्य अंग खुले हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि मानो काले बादल बादलों रूपी वन में गुलाबी रंग के बिजली के फूल खिले हुए हों इन पंक्तियों में कवि द्वारा नीले परिधान के लिए बादल और रमड़ी के अधखुले खुले अंगों के लिए बिजली के फूल नामक उपमाओं का प्रयोग किया गया है उसका शरीर अपूर्व सौंदर्यशाली था और उनका वर्ण गुलाबी रंग का था इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है हरिवंश राय जी के कितने भाई बहन थे इसमें पूछा है कि हरिवंश राय जी के कितने भाई बहन थे इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय की बड़ी बहन का नाम भगवान देई था उनके भाई छोटे भाई सालीग्राम और एक छोटी बहन शैली कुमारी थी इस प्रकार कुल दो भाई और दो बहनें थीं हरिवंश राय का नाम किस आधार पर रखा गया है अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि हरिवंश राय का नाम किस आधार पर रखा गया है तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय का नाम जन्म हरिवंश पुराण के पाठ के कारण हुआ था हरिवंश राय का जन्म हरिवंश पुराण के पाठ के कारण हुआ था इसलिए उनका नाम हरिवंश राय रखा गया इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है हरिवंश राय की माता उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा व्रत रखती थी हरिवंश राय की माता उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा व्रत रखती रख थी तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश की माता सुरसती हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निर्जल व्रत रखती थी हरिवंश की माता सुरसती हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निर्जल व्रत रखती थी वे इस व्रत में चंद्रोदय देखकर फलाहार करती थीं वे प्रति मंगलवार को हनुमान जी का भी व्रत रखती थी इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है हरिवंश राय की रुचि किस ग्रंथ में ग्रंथ के प्रति अधिक है या अधिक थी हरिवंश तो राय की रुचि किस ग्रंथ के प्रति अधिक थी तो इसमें हम लिखेंगे हरिवंश राय के अपने जन्म की कथा से हरिवंश पुराण में अत्यधिक रुचि थी वे इससे संबंधित किसी भी पुस्तक का गहन अध्ययन करते थे इसमें हम लिखेंगे कि हरिवंश ने हरिवंश के हरिवंश राय के अपने जन्म की कथा से हरिवंश पुराण में अत्यधिक रुचि थी वे इससे संबंधित किसी भी पुस्तक का गहन अध्ययन करते थे इसके बाद अगला क्वेश्चन आए यह अति लघुतरी का अंतिम क्वेश्चन है इसमें पूछा है काका साहब कालेलकर ने यात्रा करने के उद्देश्य के संदर्भ में क्या लिखा है काका साहब कालेलकर ने यात्रा करने के उद्देश्य के संदर्भ में क्या लिखा है इसमें हम लिखेंगे काका साहब कालेलकर ने लिखा है कि जिस मनुष्य की प्रवृत्तियाँ विकृत नहीं हो जाती उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी स्वाभाविक है जिस प्रकार वर्षा के शुरू होते ही साण अपने सिंहों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है उसी प्रकार यात्रा का अवसर पाते ही मनुष्य के पैर अपने आप बिना पूछे चलने लगते हैं सो एक बार फिर से देख लीजिए इसमें पूछा था काका साहब कालेलकर ने यात्रा करने के उद्देश्य के संदर्भ में क्या लिखा है तो इसमें हम लिखेंगे काका साहब कालेलकर ने लिखा है कि जिस मनुष्य की प्रवृत्तियाँ विकृत नहीं हो जाती उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी स्वाभाविक है जिस प्रकार वर्षा के शुरू होते ही सांप अपने सिंहों से जमीन खोद कर उसे सूंघने लगता है उसी प्रकार यात्रा का अवसर पाते ही मनुष्य के पैर अपने आप बिना पूछे चलने लगते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद